आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेजिटेबल कटलेट। ये हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स रेसिपी है। आप लोग बच्चे लोग का टिफ़िन बॉक्स में भी ये स्नैक्स दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ब्रोकोली। ब्रोकोली को मैंने यहाँ पर बहुत छोटा करके चॉप किया है। ब्रोकोली को मैंने हल्का सा गर्म पानी में 15 मिनट में रखी हूँ, उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया है, तो आप लोग भी ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पर एक प्याज और आधा कैरेट यूज़ कर रही हूँ। प्याज और कैरेट को भी यहाँ पर बहुत छोटा करके चॉप करना है। अब मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ। पैन में 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तेल डाली हूँ। तेल गर्म होने के बाद अदरक और हरी मिर्ची को चॉप करके डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अदरक मैंने 2 इंच लिया है और हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर 1.5 यूज कर रही हूँ। अदरक और मिर्ची हल्का सा यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब अपन इसमें वेजेस डाल के मिक्स करेंगे। वेजीज को मैंने यहाँ पर 8 मिनट तक पकाया है। ध्यान रखें वो जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक अपन उसको हल्का सा पकाना है। अब मैं यहाँ पर 3 बॉइल्ड आलू मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज 3 आलू ली हूँ। आलू को पहले मैंने हल्का सा ही मैश किया था। आलू को मैं यहाँ पर वेजीज के साथ मैश कर रही हूँ। यहाँ पे अभी आलू और वेजीज एक साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब अपन इसमें मसाला डालते हैं। आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल के अब अपन अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट तक वेजीज को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें जाएगा 1/4 कप ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे बनाई हूँ। आप लोग घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट तक और मिक्स करेंगे, फिर अपन इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं वेज कटलेट बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोटिंग के लिए अंडा नहीं यूज़ कर रही हूँ, कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर पानी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के, और अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। कोटिंग का टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अभी वेजेस अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब अपन इसको कटलेट का शेप देंगे। मैं यहाँ पर ओवल शेप दे रही हूँ, आप लोग जैसे चाहिए वैसा शेप दे सकते। अब अपन बैटर में ऐसा डिप करेंगे हल्का सा और ब्रेड क्रम्स से अपन कोटिंग करेंगे। मैं सेम प्रोसेस 2 बार कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा कटलेट अभी फ्राई होने के लिए रेडी हो चुका है। यही सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए।
अब अपन कटलेट को फ्राई करेंगे। आज मैं एयर फ्रायर में कटलेट बना रही हूँ। पहले अपन कटलेट को एक एक करके एयर फ्रायर में रखेंगे और उसके ऊपर हल्का सा अपन ऑयल ब्रश करेंगे। अगर स्प्रे बॉटल ऑयल का है तो अपन वो भी कर सकते हैं। 160 डिग्री सेल्सियस में मैंने 15 मिनट तक एयर फ्रायर में कटलेट रखी हूँ। यहाँ पर मेरा कटलेट अभी रेडी हो चुका है। बिना तेल के आप लोग अगर कटलेट बनाना चाहते हैं तो एयर फ्रायर में ऐसे ही ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बना है। आप लोगों को आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट कीजिए और ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए। अगला रेसिपी के साथ मिलते हैं।